अगला अपना टॉपिक है नए समीकरण। नए समीकरण, नए समीकरण का अपन जो चार नंबर से निकालते हैं उसके अंदर थीटा के मध्य जो एंगल होता है, जो भी एक कोण होता है उसके मध्य जो भी रिलेशन होता है उसको अपन नए समीकरण बोलते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कार्टेशियन का, उसके बाद हम चलेंगे पोलर पे और अपन उसके बाद में चलेंगे इंट्रिंसिक पे, जो इसकी पैरामेट्रिक साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो इसकी लिमिट है
करेंगे तो ये फाइनल जो अपना बनेगा वो क्या बन जाएगा, tan phi बराबर sin hyperbolic x upon c। x के लिए अपन को लिमिट पुट करनी है, x पुट करनी है, तो ये अपनी जो नया समीकरण आ गया इस इक्वेशन का। नेक्स्ट अपने हम क्वेश्चन से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है अपने को x बराबर a थीटा प्लस sin थीटा, x बराबर दे रखा है a थीटा प्लस sin थीटा, y बराबर दे रखा है a 1 माइनस का cos थीटा। तो इसका अपने को चतुर्भुज का नए समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ने किया था dy / dx, dy / dx कैसे निकलेगा, सबसे पहले अपन करेंगे dy / d थीटा / dx / d थीटा। अपन ये किया dy / d थीटा, तो a 1 माइनस 1 का हो गया, 0 माइनस cos थीटा का हो गया sin थीटा, माइनस का sin थीटा, तो हो गया ये sin थीटा। उसके बाद में अपन इसको करेंगे a थीटा का हो गया 1, 1 प्लस cos थीटा यहां से बना। उसके बाद में इसको मैं लिख सकता हूं a sin थीटा, a से a कट गया sin थीटा / 1 प्लस cos थीटा, मैं लिख सकता हूं sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, मैं लिख सकता हूं tan थीटा / 2। उसके बाद में अपन करते हैं s निकालने के लिए, s निकालेंगे, इसके लिए अपन समीकरण लगाते हैं इसका 1 प्लस dy / dx का होल स्क्वायर। ये समीकरण लगाने पे अपने को एक वैल्यू फाइंड करनी है 0 से लेके x। उसके बाद में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dx / d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy / d थीटा का होल स्क्वायर का। इसके आगे dx / d थीटा आपको दे रखा है, dx / d थीटा और हो जाएगा अपना 0 से लेके pi / 4, 0 से लेके a, उसके बाद में a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर d थीटा का अंडर रूट 0 से लेके a स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये बन गया a स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया 0 से लेके 1, 1 प्लस 1 तो ये हो गया 2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 cos थीटा प्लस a स्क्वायर 2 a स्क्वायर cos थीटा। 2 a स्क्वायर कॉमन आ गया 0 से लेके a, 2 a स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस cos थीटा d थीटा। यहां से अपन 1 प्लस cos थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा / 2, 2 a तो आ गया बाहर 2 a, अंदर वाले को करेंगे तो 0 से लेके a। अब उसके बाद में इसकी वैल्यू है cos थीटा / 2, cos थीटा / 2 ये तो ना दिए हो जाएगा cos थीटा / 2 का, तो ये cos थीटा / 2 का हो जाएगा माइनस sin थीटा / 2, तो sin थीटा / 2 का मैं करूंगा तो ये हो गया sin थीटा / 2, ये आ गया 2 a, ये अपना 2 a sin थीटा / 2 इसका। और अपन sin थीटा / 2 और इसका 2 और आ गया तो ये हो गया 4 a sin थीटा / 2। उसके आगे नेक्स्ट अपन करेंगे नए समीकरण, नए समीकरण अपन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अपना dy / dx आता है, जो अपना ds / d sin बराबर 4 a cos थीटा / 2 है, उसको मैं sin / 2 लिख रहा हूं तो ये हो गया 4 a cos sin। यहां से जो ds आया वो आएगा 4 a cos sin, 4 a cos sin d sin, d sin यहां पे इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो ये हो गया 4 a बार आ गया cos sin d sin, cos sin का हो गया 1 प्लस का cos sin,
रखा है आर पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अपने को नए समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले एस निकालते हैं। एस अपना क्या था, जीरो से लेके कहां से, जीरो से लेके ए से लेके आर तक, ए से लेके आर तक। उसके बाद में आर डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब इसमें अपन कर सकते हैं ए से लेके आर, आर डी आर बराबर आर स्क्वायर पी स्क्वायर कितना है माइनस का आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर। ये अपने पास था, तो यहाँ से क्या बन गया है, ए से लेके आर ऊपर है आर डी आर नीचे है ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में क्या ए, तो ये बना अपने पास आर डी आर कौन ए। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, तो वन बाई टू तो बाहर ले रहा हूँ। उसके बाद में जीरो से लेके आर बचा क्या आर स्क्वायर आया, यहाँ से आर स्क्वायर लिमिट है ए से लेके आर तक। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी फाइनल इक्वेशन वो क्या बनेगी, वन बाई टू ए आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन आ गई किसकी, एस की। अब अपन जानते हैं डी एस अपॉन डी साइन होता है वो किसके इक्वल होता है, आर डी पी अपॉन डी आर के, सॉरी आर डी आर अपॉन डी पी के। अब यहाँ पे डी आर अपॉन डी पी के इक्वल होता है, तो अपन जो आर को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा आर। अब उसके बाद मेरे को डी आर निकालना है पी के रेस्पेक्ट, तो मैं इसमें यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे टू आर डी आर अपॉन डी पी बराबर टू पी, इसका हो गया जीरो। तो ये आर डी आर बराबर टू पी अपॉन टू, ये बन गया पी आया आगे। अब इसके बाद में जो अपनी यहाँ पे डी ये इक्वेशन होगी आर, आर को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और इसकी जो इक्वेशन बनी आर आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, उसके बाद में डिवाइड बाय आर, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब अपने को पता है कि जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अपन हटाएंगे तो यहाँ पे जो डी एस अपॉन डी साइन है उसके इक्वल क्या आ जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा टू ए एस की पावर हाफ, टू ए एस की पावर हाफ। अब अपने डिवाइड किससे करना है, एस से, तो ये नीचे चला जाएगा तो डी एस अपॉन एस एस की पावर रूट है, तो ये ऐसे कैसे इनटू टू ए की पावर हाफ इनटू डी साइन। अब यहां से जो एस आएगा ये तो बन गया क्या टू रूट एस। अब ये क्या बना है हमने, ये बना टू ए की पावर हाफ साइन, तो हमने जो फाइनल आंसर आ जाएगा एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर वन बाय टू ए साइन का स्क्वायर। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु ए जीरो को स्थिर मानकर सिद्ध कीजिए कि एस्ट्रॉइड एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री बराबर ए की पावर टू बाई थ्री का जो नए समीकरण होगा वो क्या होगा, एस बराबर थ्री बाई टू ए साइन स्क्वायर साइन, ए साइन स्क्वायर साइन अपना नए समीकरण होगा। अब इसके केस में dy by dx निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले डिफरेंशिएशन करता हूँ, ये हो गया 2 by 3 x की पावर 2 by 3 माइनस का 1 nx n माइनस 1 होता है प्लस 2 by 3 y की पावर 2 by 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये क्या आ गया 2 by 3 2 माइनस 3 1 by 3 तो x की पावर माइनस का 1 by 3 प्लस 2 by 3 y की पावर माइनस का 1 by 3 बराबर क्या आ गया यहाँ पे 0। उसके बाद में अपन क्या करेंगे dy by dx, ये हमें
डीवाई बाई डी एक्स और होएगा, यहाँ जो डीवाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस ये ग्राफ माइनस का वाई की पावर वन बाई थ्री डिवाइड बाई एक्स की पावर वन बाई थ्री, सही है, x की पावर 1 बाई थ्री। उसके बाद में अपन निकालेंगे tan psi, तो tan psi अपना क्या था dy by dx के इक्वल था, अब dy by dx को मैं ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं y की पावर 1 बाई थ्री डिवाइड बाई x की पावर 1 बाई थ्री। अब इसको मैं x बराबर एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x बराबर क्या होता था 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर का होल dx। लिमिट कहां से कहां तक मिल जाएगी, 0 से लेके सॉरी a से लेके x तक, a से लेके x 1 प्लस dy by dx में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस का 1 by 3 डिवाइड बाय x 1 by 3 का होल dx का स्क्वायर। अब यहां पे अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहां पे क्या बन जाएगा 1 by 3, अब 1 by 3 बना तो मैं इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख सकता हूं, लिमिट a से लेके x x की पावर a की पावर हो गई 1 by 3 x की पावर हो गई माइनस का 1 by 3 into dx 2 by 3, यहाँ पे 2 by 3 into 2 by 3 a by 2 2 by 3 यहाँ से यहाँ आ गया। अब उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन करूँगा। अब इसमें हमें पता है कि a तो कांस्टेंट है, a तो बाहर आ गया, a कांस्टेंट है तो a की पावर 1 by 3 तो मैंने उसके बाद a x बचा क्या x की पावर माइनस का 1 by 3 into dx। अब माइनस 1 by 3 का कैसे करेंगे हम, माइनस 1 by 3 जो बचा वो होता है x की पावर n होती है उसका होता है x की पावर n plus 1 divided by n plus 1, तो अब x की पावर कितनी दे रखी है माइनस का 1 by 3 तो ये बन गया x माइनस का 1 by 3 plus 1 divided by x सॉरी माइनस का 1 by 3 प्लस 1, तो ये बना x की पावर 2 by 3 डिवाइड बाय 2 by 3। अब 2 by 3 बना तो ये 3 by 2 बना यहाँ पे x की पावर 2 by 3। अब मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करना हूँ इसकी, जो a 1 by 3 यहाँ पे मैंने पुट की इसकी जगह 3 by 2 x की जगह वैल्यू है अपनी x की पावर 2 by 3 लिमिट्स कहां से कहां तक a की पावर a से लेके x तक, तो ये हो गया a 1 by 3 3 by 2 मैंने बाहर ले लिया x की पावर 2 by 3 x की पावर 2 by 3 माइनस a की पावर होगी 2 by 3। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 3 by 2 into a की पावर 1 by 3 x की पावर 2 by 3 माइनस a की पावर 1 by 3 प्लस 2 by 3, ये तो क्या 1 दिख रहा है अपने को 1 हो गया सीधा। अब इसको मैं यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये बना यहाँ पर 3 by 2 a की पावर 1 by 3, तो बना क्या अपना यहाँ से ये देखो यहाँ पे कुछ आया था अपने थोड़ी देर पहले अपने क्या था थीटा बराबर पाई आया था a हुआ था उसकी जगह अपने को करेंगे यहाँ पे a sin square theta, अब a sin square theta है उसको मैं theta अपने पास तो phi है तो इसको मैं 3 by 2 a sin square phi को लिख सकता हूँ। अब ये अपने को प्रूफ करना था यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन था उसमें अपने को ये प्रूफ करना था। अब एक डाउट होगा कि यहाँ पे जो a ये दे रखा है x a 1 by 3 x 2 by 3 इसकी जगह अपने sin theta कैसे आया वो भी अपन समझते हैं। x की पावर 2 by 3 plus y की पावर 2 by 3 बराबर a by a की पावर 2 by 3, ये अपन कब करेगा जब मैं x की बराबर क्या मानूंगा a cos cube theta प्लस y की बराबर क्या मानूंगा a sin cube theta, तो अगर मैं x की पावर यहाँ पे 1 by 3 करता हूँ तो ये क्या बनता a 1 by 3 cos sorry इसको मैं
इक्वेशन ये बनेगा। हुआ?